हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सैम और मैं आ गया हूँ और एक नए पबजी मोबाइल के वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फुल डिटेल में टायर रिसेट के बारे में। तो दोस्तों, सीजन 14 अभी चल रहा है तो फिर अभी जल्द ही सीजन 15 स्टार्ट होने वाला है। तो फिर आप सीजन 15 में कौन से टायर पे ड्रॉप होंगे, अगर आप इस सीजन में कौन से टायर पे हो, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखो। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ कॉन्करर रैंक पुश से रिलेटेड, ताकि आपकी मदद हो कॉन्करर बनने में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, डायरेक्ट आपको टायर रीसेट चार्ट दिखाने से पहले मैं आपके कुछ कॉमन डाउट्स को क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपको आसानी हो टायर रीसेट समझने में। तो सबसे पहला डाउट था दोस्तों, मैं एस जाकर आया हूँ और अभी मेरी टायर है क्राउन। तो फिर जब नेक्स्ट सीजन आएगा तो फिर मैं कौन से टायर पर आऊँगा अकॉर्डिंग टू एस या फिर क्राउन के हिसाब से? तो दोस्तों, अगर आज लास्ट डे है और अगर आज आपकी रैंक एस है तो, और कल सीज़न नया स्टार्ट होने वाला है, तो फिर आप एस के हिसाब से आपकी टायर ड्रॉप होगी। अगर आप आज के दिन क्राउन में थे तो क्राउन के हिसाब से होगी। इसका ऐसा होता है दोस्तों, लास्ट डे जो रैंक है आपकी उसके हिसाब से ही आपकी टायर रीसेट होती है। तो नेक्स्ट डाउट था दोस्तों, विच टायर इज़ बेस्ट फॉर कॉन्करर रैंक पुश? तो दोस्तों, अगर इस सीज़न आप एस के ऊपर हो या फिर क्राउन 3 के ऊपर हो, तो आपकी रैंक बेस्ट कहलाएगी, क्योंकि आप नेक्स्ट सीजन प्लैटिनम 1 या फिर 2 पर आओगे। और प्लैटिनम 1 और 2 हाईएस्ट रैंक होती है या फिर टायर होती है जब स्टार्ट होता है। तो फिर मैं कहूँगा कि आपको एडवांटेज होगा कॉन्करर रैंक पुश में, क्योंकि आपको सिर्फ 1000 या 1200 ही पॉइंट्स लगेंगे कॉन्करर लेने के लिए। तो जिन लोगों को नहीं पता 4200 में कॉन्करर कैसे लिया जाए, वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखना, आपको पता चल जाएगा कि 4200 में कॉन्करर कैसे ले। तो दोस्तों, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगा टायर रीसेट चार्ट। तो दोस्तों, अगर आप करंट सीज़न कॉन्करर या फिर एस्टार 6 या उसके ऊपर हो, तो नेक्स्ट सीज़न आप प्लैटिनम 1 पर ड्रॉप होगे। वैसे ही एस्टार 1 से लेके 5 वाले प्लैटिनम 2, एस और क्राउन 1 वाले प्लैटिनम 3 के ऊपर ड्रॉप होंगे। क्राउन 2 और 3 वाले प्लैटिनम 4, क्राउन 4 और 5 वाले प्लैटिनम 5 पर, डायमंड 1 और 2 वाले गोल्ड 1 पर, डायमंड 3 टू 5 वाले गोल्ड 2 पर, प्लैटिनम 1 2 3 वाले गोल्ड 3 पर ड्रॉप होंगे, प्लैटिनम 4 5 और गोल्ड 1 वाले गोल्ड 4 पर ड्रॉप होंगे। गोल्ड 2 से लेके गोल्ड 5 वाले गोल्ड 5 में ही होंगे, और उसके नीचे सिल्वर और ब्रॉन्ज वाले सेम सिल्वर और ब्रॉन्ज पे ही रहेंगे। सो दोस्तों, एक इवेंट रहती है अनरैंक क्लासिक करके, वो पिछले सीजन से आई है, तो इस सीजन भी वो आने वाली है। तो आप देख सकते हो कमिंग सून है दोस्तों, अभी तक लॉक है। तो जब वो अनलॉक होगी, वो कब अनलॉक होगी दोस्तों? जब करंट सीजन एंड होगा, मतलब आज सीजन 14 जब एंड होगा, तब फिर वो अनरैंक क्लासिक इवेंट आएंगी। तो इसके अंदर ऐसा होता है दोस्तों, अगर आप इस सीज़न हाइस्ट टायर, मतलब आपकी हाइस्ट टायर थी एस, तो फिर आप वो दिखाएगा आपको कि नेक्स्ट सीज़न आप कौन से टायर पर आओगे। और अगर आप वो इवेंट खेलोगे तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और वो पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे उसके अंदर। मतलब अगर आप प्लैटिनम 2 पर आ रहे हो तो कुछ पॉइंट्स उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट सीज़न जब 15 स्टार्ट होगा, तो फिर आप सीधा वहाँ से आप रैंक पुश कर सकते हो। तो अभी तक तो वो इवेंट आई नहीं है, जब वो इवेंट आएगी तो मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो यार, इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ कॉन्करर रैंक पुश से रिलेटेड, ताकि आपकी मदद हो कॉन्करर बनने में। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय, पीस।